हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मॉर्गन इंडिया कंपनी में विड्रॉ कैसे करें और विड्रॉ करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, जानते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मॉर्गन इंडिया कंपनी का जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। नीचे देखिए 5 ऑप्शन देखने मिलता है, मेक मनी, रेंट, माय अर्निंग्स, डिविडेंट, यूज़र। तो यूज़र पर क्लिक कीजिए। यूज़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने मिल रहा है। तो पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बाइंड बैंक कार्ड पर क्लिक करना है। आपका बाइंड बैंक कार्ड नहीं होगा, आपका बैंक कार्ड होगा या फिर बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो यहीं पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, मैं पहले ही मतलब बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल भर के रखा हूँ। चाहे तो यहाँ पर क्या करना है, जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे बैंक कार्ड में तो आपका ऐड न्यू अकाउंट आएगा। तो उस पर उस ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप अपना नाम भर दीजिएगा। यहाँ नाम वही भरिएगा जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी वही भरिएगा जो आपका जो आपने बैंक अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट खाते में जो आप नंबर दिए थे, ठीक है। और बैंक कार्ड मतलब बैंक अकाउंट का नंबर डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर IFSC कोड डालना है, बड़े लेटर में डालना है। उसका डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर टिक मार देना है, उसका सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पर क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पीछे आते हैं, अब देखते हैं। मान लीजिए आप अकाउंट नंबर जोड़ दिए, हो सकता है आप इसमें गलत कर दिए हैं, तो इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या फिर आप इस अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या फिर आप दूसरा भी बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू अकाउंट पर, और वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पर प्लस लिखा हुआ, वहाँ से भी आप और अकाउंट ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट का डिटेल भरना है बस। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आ जाइए, उसके बाद क्या करना है कि लॉगिन पासवर्ड बनवाना है, ठीक है। तो मैं पहले ही लॉगिन पासवर्ड बना लिया हूँ। तो लॉगिन पासवर्ड कैसे बनाते हैं, देखिए पहले अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन आता है, पहले तो प्रोफाइल का है, उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका देखने मिल रहा है, उसके बाद लॉगिन पासवर्ड। यदि आप पासवर्ड मतलब कि आपका पासवर्ड सब कोई देख लिया है या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कंपनी का जो मैनेजर है उनको आप व्हाट्सएप में बोलिए, मैं कंपनी देखिए मैं लॉगिन पासवर्ड भूल गया हूँ तो मुझे लॉगिन पासवर्ड दीजिए, तो आपको लॉगिन पासवर्ड भी देगा और पेमेंट पासवर्ड भी देगा, समझ रहे हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा। पहले वाला आप लॉगिन जो पासवर्ड है वो डायल कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप डाल दीजिएगा न्यू पासवर्ड डाल दीजिएगा जो भी आपको रखना है। फिर नेक्स्ट नीचे जो है वहाँ पर भी न्यू पासवर्ड वही डालना है जो ऊपर डालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डिटरमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि पेमेंट पासवर्ड, आप पेमेंट पासवर्ड अगर सेट नहीं किए होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि नॉट सेट, जैसे कि यहाँ पर देखने मिल रहा है, समझे। तो मेरा इसमें नहीं है क्योंकि मैं बना चुका हूँ। तो पेमेंट पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा और देखिए यह आपका ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, ये दोनों ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। देखिए सेट पासवर्ड, तो आपका आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं विड्रॉ करने के लिए वो पासवर्ड ऊपर में लिख दीजिए और नीचे वही पासवर्ड डाल दीजिए, आप स्ट्रॉन्ग से बना भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिटरमेंट पर क्लिक कीजिएगा, आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आइएगा, अब आपको विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, अकाउंट नंबर को वहाँ पर डालना पड़ा, नेक्स्ट पेमेंट पासवर्ड भी बनाना पड़ा। अब विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ, तो अमाउंट में आप जितना रुपया विड्रॉ करना चाहते हैं तो उतना रुपया विड्रॉ कीजिए, या फिर आप पूरा विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आल लिखा हुआ है तो इस आल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जितना अमाउंट है पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं पूरा विड्रॉ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर 211 रुपया करूँगा, 211 रुपया, 211 क्यों, इसलिए कि मुझे सिर्फ 200 रुपया ही बैंक अकाउंट में लेना है, क्योंकि 5% यहाँ देख सकते हैं मिनिमम विड्रॉल 200 रुपये कर सकते हैं। 200 रुपये, 1 रुपये भी कम हो, 200 रुपये से 1 रुपये भी कम हो तो विड्रॉ नहीं होगा। और मिनिमम विड्रॉल फी मतलब इसका चार्ज कटता है 5%, 200 रुपये करेंगे तो उसका कट जाएगा 10 रुपया, और 211 रुपये किया तो इसका चार्ज कटा देखिए 10 रुपया 55 पैसा, समझ रहे हैं, 11 रुपये का 55 पैसे कट रहा है यहाँ पर।
तो उसके बाद और देखिए विड्रॉ किस कब से कब कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ विड्रॉल टाइम इज डेली 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 विड्रॉ लिखा हुआ है, डेली नहीं है, सैटरडे और संडे को विड्रॉ नहीं है, नहीं लगता छुट्टी है, ठीक है। तो 10 बजे से लेकर के 18 बजे तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो नीचे आप क्या करना है, 211 रुपये लिख दिया हूँ, अब यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। मैं अपना पासवर्ड भर लेता हूँ, मैं पासवर्ड भी भर लिया हूँ, अब सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप सही में सही माना में आप विड्रॉ लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन से, जी बिल्कुल लेना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया, ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखने मिल रहा है कि क्या है कन्फर्मिंग 211 रुपये विड्रॉ हो चुका है, समझे। तो ये कब विड्रॉ किया ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो वार्डर है ना, वार्डर आईडी के नीचे टी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद 2022 लिखा हुआ है, समझे। यदि आप 2021 में करते तो यहाँ पर 2021 लिखा हुआ रहता। और देखिए टाइम ये आज है 10 तारीख पाँचवा महीना, ठीक है, अरे 2022 तो आप जानती हैं। और अभी जो मैं किया हूँ 15 सेकंड मतलब 3:04 में मैं विड्रॉ किया हूँ। अब देखते हैं कितना मिनट के बाद विड्रॉ आता है बैंक अकाउंट में। आप देख सकते हैं कि 245 रुपया मेरे अकाउंट में 4:18 में आ चुका है, और जब मैं विड्रॉ किया था तो 3:04 में किया था, तो 3:04 और अभी है 4:18, टोटल 1:14 हो गया। तो 1:14 के बाद पैसा आया है। आपका पैसा इससे पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं बहुत सारे लोगों से बात भी किया, उन लोगों ने कहा कि नहीं सर मेरा तो 1 के बाद आया, किसी ने कहा कि नहीं मेरा 10 के बाद आया, किसी ने 20 में, हर एक ने अलग अलग राय दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ अरीवल टाइम, यानी पहुँचने का टाइम, पैसे जो आप जो विड्रो करेंगे आपका अकाउंट पहुँचेगा 2 से लेकर के 24 के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरीके से यदि आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो उस विषय का नाम कमेंट में लिख दीजिए, उसका भी वीडियो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और यदि आपको इस कंपनी में काम करने का इच्छा हो, मन चाहे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा हूं, वहां से आप कर भी सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां से आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।